Verdade. बड़ा स्टाइल में काट रही हो बना ये कौन सा भैया ये स्टाइल में काट दिया आज देखती हूँ कहाँ तक कटता है कोशिश करते हैं गाने आपने बहुत तगड़े बजाए हैं आज हाँ गाने बॉक्स में है क्रिसमस का पार्टी का बड़ा जोरदार हुआ है अभी आपको दिखाऊंगी ऊपर उधर बड़ा कार्यक्रम हो रहा है इसलिए वहाँ गाना बजाना और डांस सब कुछ हो रहा है मुझे भी वहाँ जाना है इसलिए जल्दी जल्दी नींबू काटेंगे मैंने नींबू छीनने का भी पहली बार एक नया रिकॉर्ड बना दिया है मुझे लगता है आज तक ऐसे नींबू पहली बार मैं ही छीन रही हूँ अरे वाह 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 कभी कभी अपने लिए भी ताली बजानी चाहिए देखा होगा आपने पूरा नींबू का छिलका निकाल दिया है ये देखिए बिल्कुल सांप की तरह है ये गले में डाल दो ये टोपी हम चाहते हैं इसको तो अगर आप चाहेंगे तो इसको फिर से हम ऐसे जोड़ सकते हैं देखिए हम इसको चिपका सकते हैं आपको पता भी नहीं लगेगा कि नींबू है कि हम नींबू फिर से बना सकते हैं इसको फिर नींबू किसी को पता भी नहीं चलेगा कि नींबू छिला है जब बच्चे बाहर आएंगे चलो इतना नहीं करते हैं कोशिश फिर भी हमने हमारी एक अच्छी कोशिश रही नींबू को फाड़ के दो करेंगे कहते हैं जिसके मियां बीवी में बहुत प्यार होता है तो उसका नींबू बहुत अच्छे से फटता है जिसका झगड़ा होता है तो उसका फट जाता है वैसे वह अक्सर नींबू फट ही जाता है अभी दिखाते हैं कि कहावत है शायद ये हकीकत भी होती हुए नींबू वैसे बहुत अच्छा फटा इतना कट गया बीच में कभी कभी जब जो झगड़ा भी होता है ना झगड़ा भी होता है कभी कभी प्याज ही नहीं होता है तो ये प्यार ज़्यादा वैसे झगड़ा कम है ऐसे ही कहते हैं और हम पहले पहले जो ये नींबू जो है लाली जैसे राज कहाँ होल कुछ ही हम पहाड़ी में लाली जैसे राज कहाँ होल कुछ कहाँ होल जब बतौन हो रात कहाँ जाए देखो बतौन हो इसी करना है बोलो तो कौन है चेसराज पूर्व में है चेसराज पश्चिम में है चेसराज रंगों में ये भी नींबू का बाहर का जो जाली जैसी होती है ये अलग करनी पड़ती है नींबू सिर्फ ऐसे बनता है नींबू बनाने की भी बहुत एक अच्छी कला है हेलो मैं भी आ सकती हूँ क्या बीच में हाँ आओ हेलो मैरी क्रिसमस देख भी नहीं रही हूँ तो दिखाओ मैरी क्रिसमस बुला के देख तुमने सेंटा की टोपी ले ली दो आपस मैरी क्रिसमस ऐसे कर लिया इसको बीच से फिर फाड़ लिया फिर इसको बीच से फाड़ के इस तरह से इसको निकालते हैं हम आज इंजॉय ऐसा कर रहे हैं आप देखिए हमारे साथ यहाँ हमने छत अपने छत पर पिकनिक मना रखी है ये पोहा बना के आया है और चाय बना के आया है
पापा को देख, गाने के भी मजे ले रहे हैं हम फ्री में, पड़ोसियों के गाने के मजे, पड़ोसियों के गाने की धूप और चाय, गाने के भी मजे लेने वाले ही गाने लगा रखे हैं। हमारे भी बगल में कुछ अलग ही मनोरंजन चल रहा है। हमारा पानी जी का कार्यक्रम चल, अब ये उसके सामग्री तैयार कर रहे हैं। इसमें थोड़ा गाजर डालेंगे, थोड़ा मूली डालेंगे, हरी धनिया डालेंगे और उसके पश्चात गुड़ डाला जाएगा, हरी धनिया डाला जाएगा, भांग का नमक, ये सब तैयारी में लगे हैं। हालांकि ये मेरा प्रोग्राम नहीं था, पहाड़ी जगह बना रही थी इसको, मगर आप पहाड़ी भौजू को भी थोड़ा हेल्प करने की जरूरत पड़ गई है, ये मामला नहीं तो संभलने वाला नहीं है, इसलिए हमने जो है इसमें हाथ डाल दिया है। और मुझे उम्मीद है कि अगर मैंने इसमें हाथ डाल दिया तो चटपटा तो ज्यादा ही होगा, जबरदस्त होती है और भांग का नमक तो जबरदस्त होता है। अभी नींबू में तो भांग का नमक का बहुत ही अच्छा तालमेल बनता है, जोड़ा जैसे दही और भांग का नमक नहीं है तो खाने का स्वाद अधूरा है, इसलिए हम इसको खास लाके भी तो नीचे गई नींबू खाने के लिए जरूर रखते हैं। ये भांग का नींबू काट के रखाई है, इसमें संतरा और थोड़ा गाजर, थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा गाजर और थोड़ा मूली, बगल में आज पार्टी हो रही है वही ज्यादा, और दही और ये नमक और ये गुड़, गुड़ जो डाला है गुड़ कस के ये डाला जाएगा। हाथ से खाता हूँ, दो चम्मच जबरदस्त पहाड़ी नींबू बना रखा है, क्रिसमस डे का दिन है, बता बुन के खा रहे इसको। गाने आज अपने आप ही आ रहे हैं, और से